सबसे पहले जीपीपी आई, जनरल प्रिंसिपल और प्रोसेस ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले बच्चे ये नाइन्थ क्लास में ये चैप्टर लिटिल बिट आपने समझा हुआ है, लेकिन अब इलेबोरेटेड फॉर्म में प्लस टू में आए, ठीक है। बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से समझना है जीपीपीआई चैप्टर। सबसे पहले जो आपको जो पता होना चाहिए, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन फॉर्म ऑफ विच मेटल अकर्स इन अर्थ अलोंग विद इंप्योरिटीज, ठीक है। मेटल्स अकर्स इन अर्थ अलोंग विद इंप्योरिटीज, तो बच्चे अर्थ में बड़े बड़े लंप्स होते हैं, बड़े बड़े, आप ये लगा लीजिए एक रूम के जितने बड़े लंप्स, जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। इनमें कई सारे मेटल्स, कई तरह की इंप्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं। याद रखना सबसे बिगेस्ट जो होता है वो मिनरल होता है, ठीक है। के बाद मिनरल के बाद ओर आता है, क्या आएगा, ओर, ठीक है। तो ध्यान देना ओर क्या होता है, मिनरल में से जो मेटल कोवेलेंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम ओर कहते हैं। पर्टिकुलर मेटल के, अब देखो ना बहुत बड़ा सा मिनरल है, इनमें हम क्या करते हैं, आयरन मेटल के और एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, कॉपर के और एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई और भी मेटल का और प्रेजेंट हो सकता है मिनरल में, तो वो सेपरेट करते हैं इकोनॉमिकली एंड कोवेलेंटली, उसको हम और कहते हैं, क्या कहते हैं, ओर। अब ये ओर फोर टाइप्स के होते हैं बच्चे, कितनी टाइप्स, फोर टाइप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ ओर, इसको हम नेटिव ओर कहते हैं, नेटिव ओर, याद रखो बच्चे नेटिव ओर होता क्या, बड़े ध्यान से समझना, जिनमें जो मेटल्स हैं, जिनमें जो मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जांपल दूंगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, मर्करी, कॉपर एटसेट्रा, ये सारे ओर्स फ्री स्टेट में, बहुत ज्यादा यू कैन से कि और मेटल्स इन्वॉल्व नहीं होते इनके साथ, ठीक है। तो ये इनको हम नेटिव ओर्स बोल देते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ओर, सल्फ्यूराइज्ड ओर, सल्फ्यूराइज्ड ओर, एज द नेम सजेस्ट, जिन ओर्स में, जिन ओर्स में सल्फर इन्वॉल्व होगा,
उन्हें हम सल्फ्यूराइज्ड ओर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सल्फ्यूराइज्ड ओर के कुछ एग्जांपल बताने लगा हूं, जैसे कि लेड। लेड का जो ओर का नेम है गैलिना, ठीक है, और कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। जिंक क्या है, जिंक ब्लेंड। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, जिंक सल्फाइड। मर्करी सेम वे, सिनेबार। HgS, तो ऐसे ही सिल्वर का भी, सिल्वर ग्लास। ये बच्चे और याद कर लेना, रीजन बीइंग कि आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार आपको कॉम्पोजिशन और नेम ऑफ और पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉपर, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, ये सारे सल्फर के ओर्स, सल्फ्यूराइज्ड ओर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड कैटेगरी हलाइड ओर्स, हलाइड ओर्स। ठीक है, हलाइड ओर्स एज द नेम सजेस्ट, हलाइड क्या होता है, हेलोजन। ठीक है, अब सोडियम के साथ ओर का नेम क्या होगा, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। और इसकी कॉम्पोजिशन बड़ी फेमस जो पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम में कार्नलाइट कहलाते हैं। और इसकी कॉम्पोजिशन KCl, MgCl2 into 6 water molecule। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये मैं बहुत फेमस वाले ही आपको बता रहा हूं, हैं तो बहुत सारे लेकिन बहुत फेमस जो है, जो बार बार पूछे जा सकते हैं, वो ही बता रहा हूं। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम में क्रायोलाइट, और Na3AlF6, तो ये एल्यूमिनियम का ओर जो कि हलाइड ओर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी ऑक्सीडाइज्ड ओर्स, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड ओर एज द नेम सजेस्ट, जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। देखिए कैसे, एल्यूमिनियम सब जानते हैं, बॉक्साइट, ठीक है, Al2O3 into 2 water molecule। Next, tin, ठीक है, इसको tin stone भी कहते हैं, cassiterite भी कहते हैं। SnO2, फिर उसके बाद manganese, pyrolusite, इसको हम पायरोल्यूसाइड को MnO2 की फॉर्म में लिखते हैं। मैंगनीज के बाद क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमाइड, इसको हम Cr2O3।
की फॉर्म में भी लिखते हैं। फिर आयरन का हेमाटाइट, बहुत फेमस हो रहे हैं Fe2O3, और मैग्नेटाइट Fe3O4। ऐसे मैग्नीशियम का भी मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक का जिंक कार्बोनेट, ये सारे ओर्स पाए जाते हैं। तो ये बच्चे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, मिनरल्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े लम्स हम अर्थ में से, अर्थ क्रस्ट में से सेपरेट करते हैं, जिनमें कई सारे मेटल के ओर पाए जाते हैं और कई सारी तरह की इंप्योरिटीज पाई जाती हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और क्या होते हैं, अगर मिनरल्स में से हम इक्विवेलेंटली और इकोनॉमिकली मेटल वाइज अलग अलग ओर्स को सेपरेट कर लें तो उसे हम ओर कहते हैं। ठीक है, ओर अब फोर टाइप्स के, नेटिव ओर्स जिनमें फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सल्फ्यूराइज्ड ओर जिनमें सल्फर पाया जाता है, हैलाइड जिनमें हैलोजन, ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, मेटलर्जी, बच्चे मेटलर्जी होता क्या है, पहले तो बात बहुत सिंपल वर्निंग में समझिए। वो प्रोसेस जिनमें प्योर मेटल, ठीक है, फ्रॉम ओर, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। वो प्रोसेस जिनमें प्योर मेटल फ्रॉम ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यू कैन से इकोनॉमिकली भी, ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी की फोर कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी, जिन प्रोसेसेस के थ्रू हम ओर में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो फोर प्रोसेसेस है। फर्स्ट इज क्रशिंग, ग्राइंडिंग। हम ये फोर प्रोसेसेस डिटेल में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड प्रोसेस इज कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ ओर। थर्ड प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसेंट्रेटेड ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसेंट्रेटेड ओर। फोर्थ वन इज रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। मैं जो सिंपल सी बात बोलूंगा कि इन फोर प्रोसेसेस के थ्रू ही हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखना, 100% प्योरिटी आज तक किसी मेटल की नहीं पाई गई है, ठीक है, नियर बाय 100 जितना हो सके हमारी कोशिश रहती है, ठीक है। तो वन बाय वन आज आपको ये प्रोसेसेस करवाने लगे, ठीक है। फर्स्ट इज
क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर में क्या होगा? बच्चे फर्स्ट प्रोसेस बहुत इजी, सबसे इजीएस्ट यही है। देखिए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर में क्या होता है, जो बिग लंप्स होते हैं जो कि मिनरल्स कहलाते हैं, उनको हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके स्मॉल पीसेस में सेपरेट कर देते हैं। अब इन स्मॉल पीसेस को बॉल मिल में और स्टैम्प मिल में हम इनपुट करते हैं और पाउडर्ड फॉर्म बना देते हैं उसके। पाउडर्ड फॉर्म का मतलब उतना ज्यादा स्मॉलर और फाइन पाउडर नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली यू कैन से जैसे मड होती है उस तरह की फॉर्म बना देते, ठीक है, और सैंड होती है जैसे ना उस तरह की फॉर्म में बदल देते। तो ये फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर ये फर्स्ट स्टेप है जो मैंने आपको यहां पे फर्स्ट स्टेप बताया था, ये मैंने बताया। बहुत इजी। सेकंड स्टेप, सेकेंड स्टेप बताने जा रहा हूं, कंसेंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ ओर। और बेनिफेक्शन ऑफ ओर कोशिश करिए जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथ साथ आप लिखते रहिए, उससे और ज्यादा कंसेंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। देखिए कंसेंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ ओर का मेन पॉइंट क्या है जो हम इस स्टेप में करने वाले हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज और अर्थी इंप्योरिटीज और सिलिशियस इंप्योरिटीज लाइक गैम, मैट्रिक्स एटसेट्रा। जी, इसे हम ओवर ड्रेसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर ड्रेसिंग, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ ओवर भी कहते हैं, ठीक है, और बेनिफेक्शन ऑफ ओवर भी कहते हैं, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूं, अनवांटेड अर्थी और सिलिशियस इंप्योरिटीज लाइक गैंग, मैट्रिक्स एटसेट्रा, ठीक है, उन प्रोसेसेस को कंसेंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ ओर कहा जाता है, ठीक है। अब फाइनली ग्राउंड ओर इज कंसेंट्रेटेड बाय सम मेथड्स, कुछ मेथड्स हम यूज कर रहे हैं और ड्रेसिंग करने के लिए, कुछ मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो फर्स्ट मेथड क्या है? बहुत ही सिंपल, दैट इज हैंड पिकिंग। बच्चे हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहन के जो हमें नेक्ड आई से इंप्योरिटीज दिख रही है लाइक पेपर, लाइक यू कैन से स्टोन, लाइक पॉलीथिन
इम्प्योरिटी, जो नेक्ड आई से दिख रही है उन्हें हम सेपरेट कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। उसे हम हैंड पिकिंग मेथड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस को याद रखना लेमिगेशन भी कहते हैं। और याद रखना ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। बहुत सिंपल हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े ध्यान से समझिएगा, हम एक स्लांटेड टेबल, या आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है आपको याद आ जाएगा, एक स्लांटेड टेबल लेंगे जिनमें लंप्स होंगे, ठीक है। यहां पे क्रश्ड ओर है, क्रश्ड ओर पड़ा, क्रश्ड ओर हम यहां से वाटर का इनलेट है विद सेट अमाउंट ऑफ प्रेशर, वॉटर इनपुट कर रहे हैं विद सेट अमाउंट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर से वॉटर आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हमने कंटेनर रखे जहां पे इंप्योरिटीज और वाटर आ पाए, क्या क्या आएगा, इंप्योरिटीज प्लस वाटर, ये इंप्योरिटीज है, ग्रीन कलर में बना रहा, ठीक है। अब देखिए ये उन ओर्स में एप्लीकेबल है, ऑक्साइड और कार्बोनेटेड ओर्स जो फोर्थ कैटेगरी की थी, ज्यादातर उनमें ये एप्लीकेबल किया जाता है प्रोसेस। क्या होता गया, जो ओर है उनमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो लाइटर वेट की होती है, लाइटर वेट होने के कारण वो वाटर के अपर पोर्शन में रहती हैं और अल्टीमेटली कंटेनर में आ जाती है। और जो ओर हम डाल रहे हैं वो ओर हैवियर होने के कारण, ठीक है, उनके पार्टिकल्स ये लंप्स के थ्रू रुक जाते हैं, ठीक है, और सेपरेट नहीं हो पाते, मतलब कंटेनर में नहीं जा पाते, ठीक है। तो वो पहले लंप के थ्रू थोड़ा रुक जाएंगे, फिर सेकंड के थ्रू थोड़ा रुक जाएंगे, और थर्ड के थ्रू ऑलमोस्ट सारे मतलब रुक जाते हैं, वो लंप्स उन्हें सेपरेट नहीं होने देते क्योंकि हैवी वेट है। तो इस तरह से एट द एंड इम्प्योरिटीज जो लाइटर होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी, और जो पार्टिकल्स हैवियर होंगे वो मेटल पार्टिकल्स वहां पे रुक जाएंगे लंप्स के थ्रू, और हमारा सेपरेशन प्रोसेस, कंसंट्रेशन प्रोसेस हो जाएगी, जिसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। हाइड्रोलिक मीन्स वाटर वॉशिंग, ठीक है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन,
अच्छा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन होती है वो क्या है, बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से ये भी समझेंगे। देखिए आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है, एक रिवॉल्विंग व्हील्स होंगे, देखो इन रिवॉल्विंग व्हील्स में हम फाइनली ग्राउंड ओर और कंसंट्रेटेड ओर पुट कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। अब यहां पे ये जो ओर्स हैं इनमें जो मेटल रिलेटेड होंगे वो ब्लैक कलर में पुट किए और जो इंप्योरिटीज होंगी वो मैंने ब्लू कलर में इंक्लूड कर। अब आप भी जानते हैं कि ये मैग्नेट्स हैं, ये दोनों क्या है, मैग्नेट्स, ठीक है। अब टू कंटेनर्स रखे हुए हैं हमने, अब इंप्योरिटी लाइटर इन वेट होगी और मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो इंप्योरिटी सबसे पहले लीव करेगी और इस कंटेनर में आ जाएगी, और जो मेटल है लाइक आयरन लाइक मैंगनीज जो पायरोल्यूसाइट हो रहे हैं वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्टेड रहेंगे और लेट लीव करेंगे और अल्टीमेटली इस बीकर में आ जाएंगे। इस तरह से सेपरेशन हो जाएगी और इसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन बोलेंगे। और ये किसमें ज्यादातर पाई जाती है, हेमेटाइट ओर Fe2O3, ठीक है, मैग्नेटाइट ओर Fe3O4, पायरोल्यूसाइट ओर MnO2, ठीक है। तो ये सारे में ज्यादातर ये पाई जाती है जिनमें मेटल के साथ अट्रैक्शन रहती है मेटल। तो ये था बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट मेथड जो हम करने जा रहे हैं दैट इज फोर्थ मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब बच्चे आप खुद समझदार हैं कि जरूरी तो नहीं है ना कि इंप्योरिटीज हमेशा लाइटर इन वेट होगी, हो सकता है इंप्योरिटीज हैवियर इन वेट हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे उस केस में हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करें, ठीक है। याद रखना इस प्रोसेस में इंप्योरिटीज लाइटर इन इंप्योरिटीज हैवियर इन वेट होगी और जो हमने प्योर करना है मेटल वो लाइटर इन वेट होगा, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर सल्फाइड ओर्स में ये पाया जाता है, ठीक है, लाइक जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायराइट, ठीक है, ये ओर्स में ज्यादातर ये पाया गया। मैं डायग्राम बना रहा हूं जल्दी से ध्यान दीजिए।
देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं। देखिए यहां पे पाउडर्ड ओर है, ऑयल और वाटर, ठीक है। यहां पे यहां से एयर आ रही है जो एंटर हो रही है, ये फैन है, रिवॉल्व कर रही है हम यहां से, और मेनली पाइन ऑयल होता है, ठीक है, और फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कलेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐड किए जाते हैं ताकि फ्रॉथ ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। जब ये फैन रिवॉल्व करेगा, एयर की प्रेजेंस होगी, तो फ्रॉथ प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, है ना, क्या होगा, फ्रॉथ प्रोड्यूस होगा। और ऑब्वियस है यहां पे पाउडर्ड ओर भी पाया गया, तो पाउडर्ड ओर में से जो इंप्योरिटी होगी, जो हैवियर वेट की इंप्योरिटी होगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और जो लाइटर वेट की प्योर मेटल होगा पाउडर्ड फॉर्म में, वो फ्रॉथ में इंक्लूड हो जाएगा। और यहां पे ये फ्रॉथ एक अलग कंटेनर में हम डाल देंगे फ्रॉथ को, ठीक है, और अल्टीमेटली स्टेबलाइजर डालेंगे जो फ्रॉथ को स्टेबलाइज कर देगा, जिसको हम क्रिजोल और एनिलीन कहते हैं। ये फ्रॉथ को खत्म करके लिक्विड फॉर्म में लेके आएगा, और अल्टीमेटली यहां से कंसंट्रेटेड ओर हम सेपरेट कर पाएंगे। तो इसे हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहेंगे। इंप्योरिटीज यहां पे आ गई और कंसंट्रेटेड ओर यहां पे आ गया, ठीक है। बताया कि कॉपर सल्फेट एज एन एक्टिवेटर हम यूज करते हैं, क्योंकि वो जल्दी सेपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये हम किस कैटेगरी के अंडर चल रहे हैं, ये सारा का सारा बच्चे अभी हम कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ ओर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ ओर, इन्हीं में सारी प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट क्या है, हैंड पिकिंग, सेकंड क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिफ्थ कराने जा रहा हूं। फिफ्थ प्रोसेस जो हम करेंगे दैट इज लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखिए बच्चे, अगर हम किसी ओर को, ठीक है, सूटेबल रिएजेंट के साथ, किसी ओर को सूटेबल रिएजेंट के साथ, ठीक है, मिक्स कर दें, ठीक है, ताकि वो और इंप्योरिटीज के साथ सॉल्यूबल हो जाए,
ठीक है, आई मीन टू से इसमें क्या है और में क्या है, इंप्योरिटीज भी हैं और के और भी और में मेटल भी है। अब इंप्योरिटीज सूटेबल रिएजेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएगा, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और मेटल को वो लीव कर देगा। इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलेंगे। ऑब्वियस है ये प्रोसेस कॉस्टली होगा, इसलिए ज्यादातर प्रीशियस मेटल्स के साथ ही हम प्रीशियस मेटल्स के ओर ही हम इनमें सेपरेट कर। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी रिएक्शन में। देखिए सिल्वर लेते हैं, अब सिल्वर में सोडियम साइनाइड रिएक्ट करें, ऑक्सीजन रिएक्ट करें और वाटर रिएक्ट करवाएं, इनको रिएक्शन करने के बाद आपका आपके पास जो मिलेगा आपको सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटाइट, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा और बाहर क्या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो एक फर्स्ट फॉर्म है जिनमें फ्री स्टेट में सिल्वर पाया जाता है, क्या फ्री स्टेट में। अगर सल्फाइड ओर में सिल्वर पाया जाए जैसे कि Ag2S, उसको भी हम सोडियम साइनाइड से रिएक्ट कर देते हैं, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, सेम कॉम्प्लेक्स बना दे। मतलब जो सिल्वर है वो हमारे पास या तो फ्री स्टेट में होगा या सल्फाइड ओर में होगा। फ्री स्टेट में होगा तो हम सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर डाल देते हैं। और अगर सिल्वर सल्फाइड और होगा तो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड को हम सिर्फ रिएक्ट करवाते हैं और बनेगा क्या, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटाइट दोनों में देखो सेम बन रहे। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप वन लिख देते हैं, स्टेप वन। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या करने वाले, सेकेंड स्टेप में ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है उसको हम मोर रिएक्टिव, जो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कहां से पता लगता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। तो सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर पाया जाता है जिंक, ठीक है, तो जिंक से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, -0.76। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से डिटेल में कर लेंगे,
किस तरह से रिडॉक्स में लास्ट ईयर किया होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी किया होगा रिडॉक्स में। तो जिंक सिंपली बात है रिएक्टिविटी सीरीज में नाइन्थ में रिएक्टिविटी सीरीज भी की होगी, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो जिंक क्या करेगा सिल्वर को रिप्लेस कर देगा सिंपली। देखिए सिल्वर सेपरेट हो जाएगा, तो ये स्टेप टू है जिसमें हमने सिल्वर को देखिए सेपरेट कर लिया इंप्योरिटीज। तो पहले जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो कौन सा है, सिल्वर सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स में बदल सके। फिर किसको यूज कर रहे हैं, मोर रिएक्टिव मेटल को सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम सेपरेशन कर सकते हैं प्रीशियस मेटल के सिल्वर। अब बचे सिल्वर की जगह गोल्ड अगर हम यूज करें तो वो भी सेम है। सेम कैसे, सिल्वर की जगह हम गोल्ड लिख देंगे, हर जगह क्या लिख देंगे, रुको मैं कलर चेंज करता हूं, गोल्ड लिख देंगे सिल्वर की जगह, हर जगह जहां पे सिल्वर आ रहा है वहां पे गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी गोल्ड आ जाएगा, यहां पे भी सेपरेशन में गोल्ड आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। तो होपफुली ये अब आप कर लेंगे। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। लीचिंग मतलब सूटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना है जो कि इंप्योरिटीज को पिक कर ले, मेटल सेपरेट हो जाए, और इस तरह से हमने ये पूरा प्रोसेस किया। कौन सा प्रोसेस, कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन और बेनिफेक्शन ऑफ ओर। तो ये बचे आपके लिए आज मैंने जो बताया, ये प्रोसेस आपने अच्छे से लिख के देखने, ठीक है।